हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी मैथ का जो सब्जेक्ट पार्ट है उसका सेक्शन बी। सेक्शन ए पहले वीडियो में हम लोग शुरू कर दिए थे। क्लास 12 के जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर का, तो जैक बोर्ड जो मॉडल सेट दिए हैं उसका सब्जेक्ट पार्ट यानी पार्ट टू का सेक्शन बी पार्ट बाकी था, वहाँ हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 7। ठीक, सवाल नंबर 8 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए क्या है। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट दिस, तो हम लोग शुरू करते हैं LHS से। वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस बी वन वन वन, वन प्लस सी। ABC कॉमन लेंगे ना, फर्स्ट रो से ए, सेकेंड रो से बी और थर्ड रो से सी, फैक्टर लेंगे कॉमन, तो आपका हो जाएगा वन बाई ए। सेकेंड रो आपका हो जाएगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, और आपका थर्ड रो है 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। क्या किए हैं, टेकिंग कॉमन फैक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप आपका ABC तो आ गया राइट हैंड साइड में, और ये वाला टर्म लाना है, तो नया अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अप्लाई R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या बनता है देखिए। नया R1 क्या बनता है, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये भी आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, अभी 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। सेकेंड और थर्ड रो अनचेंज रहेगा, सेम एज जैसा था वैसा रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर से ये टर्म कॉमन लेंगे, ABC आपका कॉमन आ जाएगा, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 1 1 1, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 1 1, सॉरी 1 बाई बी था आपका, ये 1 बाई बी था। यहाँ पर था 1 प्लस 1 बाई बी, तो 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, देखो तीनों तीनों ही 1 है एलिमेंट, तो इसको दोनों को 0 करेंगे, तब एक्सपांड करना आसान होगा। 0 कैसे कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी से अप्लाई करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका फर्स्ट कॉलम सेम रह जाएगा, सेकंड कॉलम को 0 करना है, तो क्या करेंगे, यूजिंग या अप्लाइंग C2 बराबर C2 माइनस C1, और C3 आपका बन जाएगा C3 माइनस C1, तो आपका बन जाएगा 0 1 0 0 0 1।
क्या करेंगे, एक्सपांडिंग, चलो R1 से देखिए एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC रह जाएगा आपका, ये तो टर्म आपका रह गए, और ये आपका हो जाएगा एलॉन्ग R1। अगर इससे डिस्ट एक्सपांड करेंगे हम तो 1 × 1 − 0 प्लस 0 × समथिंग प्लस 0 × समथिंग, तो ये कुल मिलाकर आपका 1 हो रहा है, तो आपका वो हो जाएगा राइट हैंड साइड के साथ बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो गया प्रूव्ड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। कॉन्टिन्यूस चेक करना है, तो कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए आपका क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होंगे तब, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 − f x। देखिए 0 से कम है तो ये वाला मान लेगा ना, sin x / x, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x / x आपका वैल्यू 1 होता है। और राइट हैंड लिमिट आपका है यह लिमिट x टेंड्स टू 0 + f x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इस कंडीशन में है, आपका ये मान लेगा x + 1, मान रख दीजिए लिमिट का 0 + 1 यानी बराबर 1 हो गया। और तीसरा चीज़ आपका f(0), इनका वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ इक्वल साइन है तो इस नियम में ही होगा 0 + 1 यानी 1, ठीक है, तीनों बराबर हो गया। लिखेंगे क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 − f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x) फंक्शन वैल्यू के साथ बराबर है, दिस इम्प्लाई x इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल 10, सवाल नंबर 10, इक्वेशन 10th में आपके इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं लेट आई बराबर 3x + 5 / x³ − x² − x + 1 dx। ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, x³ − x² − x + 1, ये क्या होता है, देखिए कॉमन लेंगे तो x² कॉमन ले लेंगे तो x − 1 है, −1 कॉमन लेंगे तो x − 1 है, ये आपका हो गया x² − 1 × x − 1 यानी a + b × a − b, ये तीनों फैक्टर हो रहा है ना x + 1 × x − 1 के होल स्क्वायर। तो देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर 3x + 5 / x + 1 × x − 1 के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम देखिए क्या मानेंगे, इसको हम मान सकते हैं a/x + 1 / b/x − 1 / c/x − 1 के होल स्क्वायर डीएक्स, ओके, इसे आप एक नंबर दे दीजिए, इनको ये मानेंगे तो वेयर द लेट जो माने हैं हम 3x + 5 x + 1 यहाँ से आपको एबीसी का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। ए बी सी का मान देखिए ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले पहले इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम आपका हो जाएगा x + 1 × x − 1 के होल स्क्वायर, ए के साथ मल्टीप्लाई है
एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर, बी के साथ आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और सी के साथ हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या आया, ए एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस वन बराबर 3x+5। ठीक है, इनको दे दीजिए दो नंबर। अब ए बी सी का करेंगे, देखिए x का मान 1 और माइनस वन रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, तो पुट दोनों तरफ x इक्वल टू माइनस वन रखते हैं, तो a बराबर आपका हो जाएगा माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो बराबर 3 × −1 + 5। तो ये आपका हो जाएगा a गुना 4 बराबर −3 + 5 यानी 2। तो 4a बराबर आपका हो गया 2, दिस इम्प्लाई a बराबर आपका हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। a का मान आ गया, b का मान देखिए, पुट x इक्वल टू 1, b नहीं c का मान आ जाएगा, तो 1 − 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1 + 1 बराबर 3 × 1 + 5 यानी ये भी 0, ये भी 0, सबका हो जाएगा 2c बराबर 8, दिस इम्प्लाई c बराबर 8/2 यानी 4। a और c का मान आ गया, अब b का मान लाना है तो 0 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, a इंटू 0 − 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 + 1 0 − 1 प्लस c इंटू 0 + 1 बराबर 3 × 0 + 5। ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा −b प्लस c बराबर 5। अब यहाँ देखिए, अभी ए बी का मान आया है, a और c का तो हाफ था, और c का मान आपका था 4 बराबर 5, दिस इम्प्लाई −b आपका हो जाएगा 5 − 4 − ½ यानी 1 − ½ यानी हाफ। तो −b का मान आपका आया है हाफ, तो दिस इम्प्लाई b आपका हो जाएगा −½। अल्टीमेट हम लोगों के पास क्या आया है, a b c का मान आ गया ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 i बराबर आपका हो जाएगा, देखिए क्या था, a बाई एक्स प्लस वन, बी बाई एक्स माइनस वन प्लस सी बाई एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर डी एक्स है ना। तो मान जब आप हम लोग रख देंगे, a का मान क्या था, a का मान कितना आया, हाफ आया, हाफ अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। बी का मान आया माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस वन। सी का मान आया है 4 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ लॉग मॉड एक्स प्लस वन, बाहर माइनस हाफ आएगा, लॉग मॉड एक्स माइनस वन, बाहर 4 आएगा, इनका इंटीग्रेशन होता है −1/x यानी −x − 1 + c। तो अल्टीमेट रिजल्ट आ गया आपका हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपन एक्स माइनस वन कर सकते हैं −4 / x − 1 + c। ठीक है, सवाल नंबर 10 ये आपका हो जाएगा आंसर, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। सवाल नंबर 11 देखिए, ये थोड़ा सा लंबा गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टाइप का सवाल आता है। सवाल नंबर 11 देखिए क्या दिए हैं, ये थोड़ा आसान है। लेट i बराबर 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसको एक नंबर मान लीजिए। दिस इम्प्लाई i बराबर आपका होता है 0 to π/2 साइन ऑफ 5/2 − x
कॉन साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इंटीग्रल प्रॉपर्टी था, याद कीजिए इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या था, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स का होता है, जीरो टू ए लिमिट सेम रहेगा लेकिन एक्स के स्थान पर ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है ना। तो यहाँ ए आपका पाई बाई टू है, पाई बाई टू माइनस एक्स एक्स स्थान पर रख दिए। आई बराबर आपका हो गया जीरो टू पाई बाई टू साइन नाइन्टी माइनस थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है आपका डी एक्स है, आपका डी एक्स है डी एक्स टू। एडिंग वन एंड टू, देखिए एडिंग वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा, टू आई बराबर जोड़ दीजिए जीरो टू फाइव आई टू अंडर रूट साइन एक्स, नीचे दोनों का सेम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। क्लियरली दोनों का एलसीएम कर दीजिएगा, ऊपर भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ब्रैकेट लगा के कैंसिल कर दीजिए, आपका वन डी एक्स हो जाएगा ना जीरो टू फाइव बाई टू। तो आ गया आपका टू आई बराबर एक्स का वैल्यू फाइव बाई टू जीरो, यानी फॉर्मूला आपका क्या है, फाइव बाई टू बैठेगा माइनस जीरो यानी फाइव बाई टू, आई बराबर हो जाएगा हाफ गुना फाइव बाई टू यानी फाइव बाई फोर आपका आंसर। ठीक है चलिए सवाल नंबर ग्यारह पे बात चलते, ये सवाल नंबर बारह पे ना, ये दस था ग्यारह था ग्यारह था, सवाल नंबर ट्वेल्थ। देखिए दो प्रकार से ये हल कर सकते हैं आप लोग, एक तो आपको लीनियर फॉर्म में लाइएगा वहाँ से आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, नहीं तो इंटीग्रेटिंग इस टाइप का फैक्टर और एक कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको याद रखना होगा वो लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे डी ऑफ एक्स वाई आपका होता है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है, और डी ऑफ वाई बाई एक्स आपका होता है नीचे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और डी ऑफ एक्स बाई वाई होता है वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ये तीनों फॉर्म लिख लीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, वाई डी एक्स एक्स डी वाई माइनस टू वाई स्क्वायर डी वाई गुना कर दिए, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को इधर रखते हैं उधर ले जाते हैं टू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब करते हैं क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड वाई वाई स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है नीचे वाई स्क्वायर है तो आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका टू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया डी ऑफ एक्स वाई बराबर टू डी वाई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बराबर टू डी वाई। देखिए डी ऑफ एक्स इनका होता है एक्स, डी ऑफ वाई इनका होता है वाई, तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई इसका हो जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस जुड़ जाएगा, ठीक एफ का होता है
जरूरी लिखना जरूरी नहीं है, बस दिखा दिए हैं। तो इनका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई बराबर टू बाहर जाएगा वाई प्लस सी। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका सवाल था 12। सवाल नंबर 13 देखिए, वेक्टर का सवाल है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है और क्या बोले हैं, ए प्लस लैम्डा बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें पहले ए प्लस लैम्डा बी ज्ञात करना है। ए प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर लिख दीजिए 2i प्लस 2j प्लस 3k, उसके साथ लैम्डा गुना बी वेक्टर आपका है माइनस आई प्लस 2j प्लस k। कैसे जुड़ता है, आई कंपोनेंट जुड़ जाता है, तो 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के। और सी वेक्टर देखिए क्या दिया हुआ है, 3i प्लस जे, के का कंपोनेंट नहीं दिया है तो हम लोग लिख देंगे 0 इंटू के। अब बताइए दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देयरफॉर क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। याद करिए दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर एंगल थीटा होता है तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा कॉस 90 जीरो, तो जीरो हो जाता है ना। अब देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग आई एलिमेंट गुना होता है ना, जुड़ जाता है, हो जाता है 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस 0 इंटू 3 प्लस लेमडा बराबर 0, 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0, ये आपका जाएगा 8 माइनस लेमडा बराबर 0, दिस इम्प्लाई लेमडा बराबर 8, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए अगला सवाल, सपोज अ गर्ल, प्रॉबिलिटी का सवाल है। सपोज अ गर्ल थ्रोज ए डाई, इफ सी गेट्स ए 5 और 6 सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो पासा फेंकेंगे, अगर पासा में 5 और 6 आया तो 3 बार लगातार 3 बार टॉस करेंगे, और अगर 1 2 3 4 आया तो 1 बार टॉस करेंगे, एंड नोट्स द वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन। अब सवाल क्या पूछे है देखिए, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, मान लीजिए उसको एक ही हेड आया, तो पहले गिन रहा था ना कितने हेड आया था, अभी देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो पहले ही आपका घटनाएं जो हो चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात करने के लिए बोले हैं कि तब ये होने का प्रायिकता कितना है, ये हुआ था। तो यहाँ देखिए तीन इवेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन इवेंट को मान लेंगे, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। E1 बराबर क्या बनेंगे कि डाई में 5 और 6 आया, गेटिंग 5 और 6 इन डाई, ठीक है। E2 आपका हो जाएगा गेटिंग 1 2 3 और 4 इन डाई, यानी थ्रोइंग ए डाई।
और आपका और एक इवेंट आपका हो जाएगा ए इवेंट। ए इवेंट क्या बनेगा, देखिए बेस थ्योरम में क्या था, U1 U2 दोनों मिला के पूरा पूरा डाई का सैंपल स्पेस आएगा, दोनों में देखिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, डिस्जॉइंट है। और आपका ए कोई भी इवेंट होगा इसके रिलेटेड, तो यहाँ इवेंट क्या है, ए इवेंट सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हिट, मतलब कॉइन टॉस कर रहा है, तो गेटिंग एग्जैक्टली 1 हिट। ठीक है, अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ E1 बटन नंबर सैंपल स्पेस। E1 यानी डाई डाई थ्रो कर रहे हैं, तो 5 और 6 यानी कि फैक्टर कितने हैं, 2 आउटकम है टोटल, कुल मिला के 6 आउटकम, तो 1 आउटकम 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनका क्या हो जाएगा, इन NE2 अपन NS, यानी 4 को आउटकम है कुल मिला के 6 को है, तो 2/3। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दिया है, क्या बोल सकते हो आप लोग, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करने के लिए देखिए, जब E1 जब आपका E1 पहले हो गया गेटिंग 5 और 6, तब क्या करेंगे, डाई को 3 बार सॉरी कॉइन को 3 बार 3 टाइम्स थ्रो करेंगे ना। देखिए पहला सवाल क्या था, इफ सी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेस से कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार अगर कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होता है, वही आपका एच 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 ऐसे करके जो होता है ना, HHT 8 को 8 को 11 होता है, उससे का सैंपल स्पेस होता है। तो 3 बार जब करेंगे तब एक आने की प्रायिकता कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जैक्टली वन हेड ऑकर्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड या 3 टाइम्स, मतलब तो यही है। यहाँ देखिए E1 को क्या बोल रहे हैं, E1 यहाँ हटाए दे रहे हैं क्योंकि E1 होगा मतलब 3 बार आपको कॉइन को टॉस करना है, तो इसमें क्या क्या सेट रहेगा, एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसलिए आप एक काम कीजिए सैंपल स्पेस थोड़ा सा यहाँ लिख लेना अच्छा होगा। इसके लिए सैंपल स्पेस क्या था, देखिए ब्रैकेट में थोड़ा लिख दीजिए, एस का क्या था, जब 3 बार हिट करेंगे तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 8 को है ना, तो इनमें से आपका एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ है यहाँ है तो यहाँ है, 3 को है ना, HTTTH, तो इस ये जो इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी होगा कितना होगा, 3 को आउटकम है 3/8। ठीक, उसी हिसाब से ए कंडीशनल E2 यानी पहले E2 हो गया है, मतलब क्या है, सेम चीज है, एग्जैक्टली 1 हेड आएगा ऑकर्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, यहाँ कॉइन कितने बार टॉस करेंगे, कॉइन इज टॉस्ड वंस, 3 टाइम्स टॉस करेंगे, यहाँ 1 बार टॉस करेंगे, क्योंकि E2 मतलब है आपका, देखिए E2 मतलब है 1 2 3 4 5 6, E2 मतलब है आपका, देखिए
ई टू मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 जब आएगा डाई में, तो आप ही टॉस ए कॉइन वांस, एक बार टॉस करेंगे। तो एक बार टॉस करेंगे तो इसके लिए आपका सैंपल स्पेस क्या होता है, ये आपका सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा हेड और टेल, दोनों ही तो है। तो एग्जैक्टली 1 हेड कब आएगा, 1/2, ठीक है। अब बताइए, देयर फोर फ्रॉम बेस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए आपको पूछे क्या है कि पहले आपका क्या आ गया है, हेड आ गया, यानी इवेंट हो चुका है। तब बोले कि 1 2 3 4 5 6 आने का प्रैक्टिकल कितना, नहीं ई टू, ये आपको मांगे है। तो बेस थ्योरम क्या बोलता है, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए कंडीशन ई टू, नीचे आपका जितने है पार्टीशन में, पार्टीशन में है ए वन ई टू है, तो दोनों का गुना करके जोड़ देंगे ना, मल्टीप्लीकेशन प्रॉबिलिटी, पी ऑफ ए कंडीशन ई वन प्लस पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए कंडीशन ई टू। और देखिए पी ऑफ ई टू कितने आया, पी ओ पी वन आया था आपका, पी ओ पी वन, पी ओ पी वन क्या था, पी ओ पी टू था आपका 2/3, और पी ओ पी वन 1/3, तो आपका हो जाएगा 2/3 इंटू पी ऑफ ए कंडीशन ई टू आपका आया है 1/2, ये 1/2 आया है, और पी ऑफ ई वन आपका था 1/2, सॉरी 1/2 था क्या, देख लेते हैं, पी ओ पी वन कितना था 2/6, 2/6 यानी 1/3 था, 1/3 आपका 1/3 इंटू पी ए कंडीशन ई वन यानी 3/8। देखिए पी ए कंडीशन ई वन आपका है 3/8, पी ऑफ ए कंडीशन ई वन 3/8 है, ये आपका है 3/8 प्लस ये आपका है 2/3 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल कैंसिल, ये आपका आया है 1/3, 1/8 प्लस 1/3, यानी जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 1/3, 24 एलसीएम है 3+8 यानी 1/3 गुना 24/11, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 8/11 आ रहा है आंसर, ठीक ना, इसका आपका आ गया रिकॉर्ड आंसर, ठीक। चलिए हो गया सेक्शन बी का सवा सारे प्रश्न का उत्तर हो गया ना, अब अगला वीडियो में सेक्शन सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।